नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। ऋषिकेश में हैं हम और वार्ड नंबर 17 के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शिव कुमार गौतम जी हमारे साथ हैं, गंगा विहार एरिया से ये रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं। सर क्या माहौल देख रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियाँ किस प्रकार हैं? जो वर्तमान में जो स्थिति है वहाँ पर भयावह स्थिति है और उसको सुधारने के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ का प्रत्याशी बनाया है। और जो वहाँ की स्थिति है, मलिन बस्ती में लोग रहते हैं, उनकी बहुत अधिक दुर्दशा खराब हो रखी है। लोग वहाँ 40 वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं। मेरी प्राथमिकता ये है कि उन लोगों को जो मलिन बस्ती में वहाँ निवास कर रहे हैं उन लोगों को अच्छे मकान बनाकर जो प्रधानमंत्री योजना के तहत है उनको बनाने की कोशिश की जाएगी, उनको बनाकर देने की कोशिश की जाएगी, उनको अच्छी तरह विस्थापन किया जाएगा। मेरा प्रयास वहाँ के लिए ये सर पहली बार नगर पालिका से नगर निगम बढ़ा है ऋषिकेश, उम्मीदें बढ़ गई हैं केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार, लेकिन ऋषिकेश में आज भी बहुत सारी परेशानियां हैं, अब क्या देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पहले उत्तराखंड राज्य बनाया, अब भारतीय जनता पार्टी ने ऋषिकेश नगर निगम कोटद्वार नगर निगम बनाया। पूर्व में जो हमारे चेयरमैन रहे उन्होंने इसे ऋषिकेश तीर्थनगरी को का काम किया है। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार हमारे नगर निगम की प्रत्याशी अनिता मुंगाई जी जीत करके आएंगी और इस तीर्थ नगरी का नाम रोशन करेंगी। जो गरिमा हमने पहले पिछले 15 सालों में खोई है उसको वापस लाने का वो काम करेंगी और हम उनका